नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है लंच टाइम बुलेटिन का, नजर डालेंगे अब तक की सभी बड़ी खबरों पर। देश में तेजी से भागा कोरोना का मीटर, पिछले 24 घंटे में पहली बार सामने आए 50,000 से ज्यादा मरीज, 775 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना का प्रकोप जारी, पिछले 24 घंटे में 52,123 नए मामले आए सामने, पहली बार भारत में एक दिन के आंकड़ों की संख्या 50,000 के पार हुई है। इसी के साथ देश में कुल मरीजों का आंकड़ा करीब 16 लाख पहुंच गया है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 34,968 हुआ। अनलॉक 3 की गाइडलाइन हुई जारी, इसके तहत 5 अगस्त से जिम और योग केंद्र खोलने की इजाजत दे दी गई है। 31 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे, मेट्रो पर भी पाबंदी अभी जारी रहेगी। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू होगा खत्म। देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद किए गए नए बदलाव, बुधवार को इस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ा जाए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को बताया मर्डर, सोशल मीडिया पर मर्डर की गिना दी 26 बड़ी वजह। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत के सुसाइड को बताया मर्डर। स्वामी के मुताबिक सुशांत के रूम में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो मिले हैं वो हो सकता है किसी ने वहां प्लांट कर दिए हों। उन्होंने फंदा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी के मुताबिक सुशांत की गर्दन पर मिले निशान बेल्ट जैसी चीज के लगते हैं। कहा तो ऐसा भी गया है कि सुशांत 14 जून को सुबह के वक्त वीडियो गेम खेल रहे थे। स्वामी को लगता है कि कोई शख्स जो डिप्रेस्ड हो वो ऐसा वीडियो गेम नहीं खेल सकता। कोई सुसाइड नोट का ना मिलना भी सुब्रमण्यम स्वामी को खटक रहा है और वो इस सुसाइड को मर्डर केस बता रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भव्य तैयारी की जा रही है। इसी बीच बाबरी मस्जिद के निर्माण की आवाज भी उठने लगी है। बाबरी मस्जिद के लिए ट्रस्ट बना दिया गया है जिस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत ने बाबरी मस्जिद के ट्रस्ट में सरकार के लोगों की नियुक्ति की मांग की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह पर मस्जिद थी जो कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। महंत राजू दास ने बाबरी मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट में सरकार की तरफ से लोगों की नियुक्ति की मांग की। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, 1,000 से ज्यादा गांव डूबे। बिहार, असम, बंगाल समेत कई राज्यों में इस समय बाढ़ की तस्वीरें डराने वाली हैं। असम एवं बिहार में आई बाढ़ के कारण बुधवार को यानी कल 6 लोगों की मौत हो गई। दुनिया में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1.70 करोड़ को पार कर गई है। मरने वालों की संख्या 6.64 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।